ये देखो उसको लेते हैं, वो बहुत ड्रामे करता है, ये बहुत ड्रामे करता है आइसक्रीम बेचने में, देखना। यही हमारी बस थी और अब हम लोग 111 सब लाइन से अपना बस पकड़ लेंगे। ऊपर डबल डेक किया तो मैं ऊपर बैठना पसंद करूँगा, तो मैं अपने अपने कार्ड निकाल के देता है ताकि उसमें स्वाइप करके दे रहा है, खुद ही अपने से स्वाइप करके दे रहा है सबका कार्ड, और हम जाके ऊपर ही बैठेंगे क्योंकि पिछली दो बार भी गए थे तो ऊपर बैठे तो अच्छा लगा था, हेलीकॉप्टर वाली फीलिंग आई थी, काफ़ी अच्छी है ऊपर से, बिल्कुल फुल एसी है एकदम, तो जगह तो आगे बिल्कुल फुल हो चुकी है भाई, तो अब मैं पीछे ही बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पीछे बैठते हैं, विंडो वाली सीट लेते हैं, दो सीट होती है दोनों साइड में, बहुत ही वीआईपी और साफ़ सुथरी एकदम बेहतरीन, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा एकदम। अब देखते हैं, शायद ये रास्ता भी अब बदल के जाएगी, अलहमरिया फ्री जोन होते हुए जाएगी, अलहमरिया बीच भी मैं दिखाता हूँ, इसमें आगे आने वाला है अलहमरिया का बीच। कल सुबह पर बस स्टेशन गुजरने के बाद हमें भी लगी थी बहुत जोरों की धूप, तो हमें लगा पहले कुछ खाना पीना खाते हैं, तो मैंने एक केक ले लिया, दोनों ने एक एक केक ले लिया, उसके बाद मैंने एनर्जी ड्रिंक ली, बूम के नाम से जाना जाता है, जो पाँच दिन भी मिले हमें, ऐसे में तुम्हारी यहाँ 3 दिन भी मिलती है। अभी हम लोग मार्केट की तरफ निकल गए, लेकिन यार मार्केट बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है क्योंकि आज नेशनल डे है, 3 दिन की छुट्टी है, तो कुछ मार्केटें खुली है कुछ नहीं खुली है, वैसे भी 12 बजे के बाद ही यहाँ मार्केट खुलना शुरू होता है, तो अभी चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ है नहीं। और अब ढूंढते हैं आस्टोरिया होटल, आस्टोरिया होटल के सामने ही वकास दुबई वाला है, उनके यहाँ जाके देखते हैं क्या कुछ ऑफ़र है, ऑफ़र तो होगा कुछ ना कुछ, अभी नेशनल डे पर सब लोग ऑफ़र लगाते हैं, तो अभी आस्टोरिया होटल पहले मिले, गलियां कुछ ऐसी है जैसे पुराने दिल्ली में घूम रहा हो यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे बाहर के लोग और इंडियन लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इंडियन वाली फीलिंग आती है यहाँ पे, ज़्यादातर बाहर के यहाँ पे, और अरबी लोग तो मैंने पहले ही बताया था कि वो लोग विला में रहना पसंद करते हैं, ऐसी भीड़ भाड़ में नहीं रहते हैं, वो लोग गाँव में रहते हैं, एक साइड में रहते हैं, उनका विलेज बहुत एक साइड में किनारे में होता है, हाई फाई एरिए में होता है। तो ढूंढते हैं पहले हम लोग वकास दुबई वाले की शॉप, आगे आस्टोरिया होटल है उसी के पास से जा पाएंगे, पहले आस्टोरिया होटल निकलते हैं। तो दोनों ही गली में चल रहे हैं, गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है, तो मज़ा भी आ रहा है घूमने फिरने में, और पेट बिल्कुल भरा हुआ, खाना पीना हम लोग खा के निकले थे, और कुछ यहाँ पे भी हमने एनर्जी ड्रिंक ले ली थी, आगे फिर 1-2 घंटे के बाद खाते हैं बोट पर, पहले 1 दिरहम वाली बोट पर बैठेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाने पीने का कुछ प्लान करेंगे। गोल्ड सुख भी अभी आप लोगों को दिखाना बाकी है, चलता हूँ गोल्ड सुख की तरफ, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा, और अच्छा लगने वाला है गोल्ड सुख, जो दुबई का सबसे फेमस जगह है गोल्ड के लिए, वहाँ एक अंगूठी दिखाऊंगा जिसमें 1 क्विंटल की अंगूठी यानी कि 100 kg की वो अंगूठी है, उसमें हीरे की नग लगी हुई बहुत बड़ी, तो आज पर्सनली उसको देखने के लिए जा रहा हूँ, अच्छा लगता है वहाँ। और हैरत की बात यह है कि जितनी भी दुकानें हैं सब में शीशे लगे, किसी में शटर बंद नहीं रहता है, सबके सिर्फ शीशे बंद रहते हैं और शटर किसी में नहीं लगता है, रात भर ऐसे खुला रहता है, किसी की हिम्मत ही नहीं कि चोरी कर ले। तो चलिए वकास दुबई वाले की शॉप जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया, सामने ये आस्टोरिया होटल जो दिख रहा है हल्का रेड कलर में, और इधर आप देखेंगे ये वकास दुबई वाले की वो दुकान ब्लैक कलर की वो बोर्ड लगी हुई है, उस पर उसका फोटो भी लगा हुआ है बड़ी बड़ी मूछों वाली, तो आगे मुलाकात करवाते हैं आपको वकास दुबई वाले से। होगा आप लोग, मैन आदमी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें अभी, वो थोड़ी देर में दिखेगा, अभी अंदर कहीं होगा, वो काम वाम कर रहा होगा, सजा रहा होगा, और यही कुल इन्होंने अभी नहीं ओपन की है, 1 साल हुआ इनको दुकान ओपन हुई है, पहले ऑनलाइन बेचते थे अब ऑफलाइन हो गया, इनको दुकान हो गया, तो सही रहा विजिट करने में, तो इतनी सारी लैपटॉप की वराइटीज़ है और आईफोन वगैरह सैमसंग हर चीज़ का वराइटीज़ है। अरे भाई साहब क्या बात बताते, ये देखो मैंने आदमी इनको ढूंढते हुए, भाई भाई इतने देर से घूम रहे थे, और
सारे इनका फोटो देखे, इनका एड्रेस भी मिल गया हमें, बढ़िया लगा। देखते हैं क्या कुछ ऑफर लगा है नेशनल डे का। सब लोग यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, सब लोग विजिट करने के लिए आए हुए हैं, तो फिर और कुछ बातें करेंगे दिखाएंगे। अभी इसी डेरा में जहाँ गोल्ड चौक की तरफ जा रहा हूँ, और वही एक वाली बोट में बैठ के उस पार हो जाऊँगा, वहाँ मेरा एक दोस्त वेट कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा ये, एक तिरंगे बोट में बैठने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। तो पार होते हैं, अभी बैक हो रही है, उसके बाद घुमाएंगे उधर मुड़ेंगे, पहुँचते हैं उस साइड में। ज़्यादा दूर नहीं, इतना ही है बस, लेकिन आगे उतारेंगे हम, इसके सामने नहीं उतारते जाके, थोड़ा आगे लेके जाते हैं, काफ़ी दूर अच्छा रहता है, काफ़ी देर तक चलते हैं हम इस पर। देखो ये हैंडी है इसका, इधर से उधर मोड़ने के लिए, ये चला इसका साइलेंसर भी पीछे ही होता है, बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब बोट पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी इस बोट की फीलिंग ले चुका हूँ एक दिरहम में, काफ़ी दूर तक ले जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी नॉइज़ हो रही थी ना, शोर हो रहा था, इसकी वजह से मैं ओवर वॉइस कर रहा हूँ, और क्योंकि इसमें बोल पिछली वाली क्लिप में आप देखें होंगे उसमें आवाज़ नहीं आ रही होगी, बहुत तेज़ आवाज़ आती। देखो ये आई अभी, आप इधर साइड आई, हम लोग दूसरे साइड में जाएंगे, इसको पार्किंग में लगाएगा, फिर उसके बाद हम लोग उतरेंगे। तो एक दिरहम में मस्त मज़ा आता है इधर से उधर करने, मतलब फीलिंग अच्छी आती है इसमें, अच्छा रहता है। वैसे कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, उधर ही गोल्ड सुख है डेरा की साइड में, बरदुबे की साइड में सिर्फ मोबाइल की दुकान और गैजेट्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है, और आगे गोल्ड सुख है। तो हम चलते हैं गोल्ड सुख की तरफ। नेशनल एक तो चेन पहन लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, अच्छा, और ऊपर से जो बिस्किट के मदद हो उसमें लेके बिस्किट का, लेकिन पेपर जरूर रखते हैं, चेन का रखे ना रखे। हाँ, एक एटीएम साइज का मिलता है उसमें, मतलब रहता है। कौन सी गेट की तरफ आप देखिए, एक गेट, दो, तीन, ये पूरा, अच्छा, ये गेट नंबर वन, वन टू थ्री, यानी थ्री गेट्स है यहाँ पे, यार बहुत लंबी चौड़ी है बिल्कुल। ओहो क्या बात है भाई साहब, पहली बार देख रहा हूँ कपड़े, सोने के कपड़े, मतलब गोल्ड के कपड़े, मास्क, टॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं, मास्क भी है, बड़ी बड़ी कपड़े भी है, मतलब वन शॉट पीसेस भी है गोल्ड में दम। देखो क्या, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत ये होती है जब रात में ये मार्केट बंद होती है तो इसमें कहीं शटर नहीं लगते, सिर्फ शीशा ही बंद होता है, बाकी सब दिखता रहता है ऐसा। और दुबई तो दुबई, आप जानते हैं सेफ्टी के मॉल में मामले में किसी की मजाल है कि इसकी ताला तोड़ के ले जाए कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉरेन कंट्री के लोग अब आना शुरू हो गए हैं, फॉरेनर्स लोग आना शुरू हो गए, तो गोल्ड भी इस टाइम बहुत महंगा हो गया है। तो इस टाइम में जब यहाँ नवंबर का महीना शुरू होता है, तो जब इसे फॉरेनर लोग आना शुरू हो जाते हैं, फरवरी तक रहते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ जब गर्मी पड़ने लगती है, तो गर्मी जानते हो यहाँ की फेमस है। तो देख लो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन इतने यहाँ से गोल्ड ले के नहीं जा सकते, थोड़ा मोड़ा ले जा सकते, वैसे ले जाना अलाउड नहीं होता यहाँ से। अब आगे दिखाता हूँ मैं, एक 100 kg का एक अंगूठी है, अंगूठी नहीं बल्कि उसको अंगूठा ही कहेंगे, और उसमें एक हीरे की नग लगी हुई काफ़ी बड़ी। तो आगे उसके तरफ ही जा रहा हूँ, वो होगा तो मैं उसके, देखो यही है हीरे की नग वाली अंगूठी, देखो बहुत बड़ी अंगूठी है ये। इसके बगल में एक वन शॉट पीस कपड़ा भी है, देखो बैग, सोने, ये देखो ये पहन के रखा हुआ है, सही से दिख। नई नई जगह पे जाते हैं तो नए नए लोग मिल जाते हैं, नए नए दोस्त भी बन जाते हैं, ये एक नए दोस्त बिल्कुल ताज़ा अभी बने हैं। अभी मैं गोल्ड सुख में घूम रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगा घूमने में, तो भाई हमें पूरा गोल्ड सुख वन बाय वन घुमा रहे हैं, और जो भी कुछ वीडियो है बना रहा हूँ, और एक दुकान में भी घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या डिज़ाइन है और क्या क्या। अभी प्राइस बहुत हाई चल रहा है गोल्ड का, तो देखते हैं मालूम करके उसका रेट मालूम करके आ जाएंगे। तो पीछे ये दोस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा घूमने में, बहुत एक्साइटेड हूँ, आज छुट्टी का पूरा पूरा इंजॉय ले रहा हूँ, और कुछ दोस्त अभी और आ रहे हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा मैं, और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बढ़िया लगा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। अभी बहुत सारी बड़ी अंगूठी देखी हमने, तकरीबन 1 क्विंटल वजन होगा उसका, और उसमें हीरे भी लगे हुए थे बहुत अच्छे महंगे वाले। तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा,
तो आइए पूरी मार्केट को आपको गोल्ड सुक का पूरा मार्केट घुमाते हैं जो सोने की मंडी के नाम से जाना जाता है दुबई में।